हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर, सपा नेता घोषित हुए शराब माफिया, मिलावटी शराब बनाने और तस्करी का लगा आरोप। सुभाष पाल के खिलाफ 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज। सुरक्षा थाना सुरसा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। हरदोई से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सपा नेता शराब माफिया घोषित कर दिए गए हैं। बता दें, उन पर मिलावटी शराब और उसे तस्करी करने का आरोप लगाया जा रहा है। साफ तौर पर सुभाष पाल के खिलाफ 22 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। सुरसा थाना क्षेत्र के निवासी हैं, सपा नेता भी हैं। बता दें, शराब माफिया उन्हें घोषित किया गया। तो इसे इस वक्त की बड़ी खबर, सुभाष पाल सपा नेता के खिलाफ 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज। वहीं प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बेखौफ चोरों का बड़ा आतंक, अज्ञात चोरों ने सिपाही को मारी गोली, चोरी करते समय पुलिस ने बोला धावा, बदमाशों ने सिपाही पर की जमकर फायरिंग, इलाज के लिए सिपाही को प्रयागराज किया गया रेफर, घटना को अंजाम देकर चोर हुए फरार। लालगंज कोतवाली की घटना, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां चोरों ने किस कदर धावा बोला, उसके बाद एक सिपाही पर भी ताबड़तोड़ चोरों द्वारा गोलियां बरसाई गई। बेखौफ हो चुके हैं इस वक्त बदमाश, खुले आम फायरिंग करते दिखे, उसके बाद चोरी कर बदमाश फरार हो गए। इलाज के लिए सिपाही को प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। धार से इस वक्त की बड़ी खबर, एसपी के नाम से बनाई फर्जी फेसबुक आईडी, धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह के नाम पर बनाई आईडी, आईडी बनाकर शातिर करने लगा रुपयों की मांग, समस्या बताकर 15,000 का सहयोग मांगा। तो धार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एसपी का फर्जी अकाउंट बनाया गया, जिसके आधार पर लोगों से ठगी की गई। धार एसपी आदित्य प्रताप सिंह के नाम पर यह आईडी बनाई गई है। आईडी बनाकर शातिर लोगों से सहयोग के नाम पर पैसे वसूलने की कोशिश कर रहा। वही अगली बड़ी खबर, डीआरडीओ में वेंटिलेटर में आई गड़बड़ी, सेना के 3 सीनियर अधिकारियों ने की जांच, 38 वेंटिलेटर सिस्टम में मिली खामियां, अवध शिल्पग्राम में बने अस्पताल का मामला। डीआरडीओ में वेंटिलेटर में बड़ी गड़बड़ी दर्ज की गई है। बता दें कि 3 सीनियर अधिकारियों ने सेना की जांच की, तब जाकर 48 वेंटिलेटर सिस्टम में खामियां प्राप्त हुई है। वहीं बता दें, पूरा मामला अवध शिल्पग्राम में बने अस्पताल का है। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जिले में 900 पार्कों को किया गया विकसित, 25 करोड़ की लागत से होगा काम, 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाले पौधे भी लगेंगे, लखनऊ को प्रदूषण मुक्त बनाने की तैयारी, सड़कों पर वैक्यूम व्हीकल से होगी सफाई। बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से इस वक्त की दिखा रहे हैं, प्रदूषण कम करने के लिए अब 900 पार्कों को किया जाएगा विकसित जिले में, जिसके बाद 25 करोड़ की लागत से काम होगा और ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगेंगे, जो पौधे 24 घंटे ऑक्सीजन रिलीज करेंगे वो पौधे लगाए जाएंगे। वहीं सड़कों पर वैक्यूम व्हीकल से सफाई भी होगी। अगली बड़ी खबर अलीगढ़ से सामने आ रही है, जिले में जहरीली शराब से मचा कोहराम, जहरीली शराब से अब तक 7 मौतें, अन्य कई लोगों की हालत गंभीर। अलीगढ़ में अवैध शराब का बड़ा सिंडिकेट। अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहरीले शराब से एक बार फिर 7 लोगों की जान चली गई है, बड़ा सिंडिकेट चलाया जा रहा है।
कई लोगों की हालत गंभीर भी बनी हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है। कोरोना से मृत पुलिस कर्मियों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी, नौकरी के साथ 50 लाख की मिलेगी अनुग्रह राशि। डीजीपी मुख्यालय ने अधिकारियों को दिए निर्देश, डॉक्यूमेंट्स पूरा कराने के साथ मांगा गया ब्यौरा। डीजीपी मुख्यालय कर रहा पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कोरोना से मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों को नौकरी मिलेगी, साथ ही साथ 50 लाख की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। डीजीपी मुख्यालय ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, डॉक्यूमेंट पूरा करने की बात कही गई है। मुख्यालय से पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग भी की जा रही है डीजीपी मुख्यालय से। ब्रेकिंग बैक टू बैक में फिलहाल के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।